हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. सृष्टि हियर एंड यू आर वाचिंग सृष्टिज डायरी. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड उसके बगल में एक बेल आइकन होता है उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा. तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इमोलियंट, ह्यूमक्टेंट एंड ऑक्लूसिव होता क्या है. आप बहुत सारे स्किन केयर वीडियोज में देखते होंगे कि लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए जिसमें इमोलियंट हो, ह्यूमक्टेंट हो या फिर ऑक्लूसिव बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए. बट कभी आपने सोचा कि ये टर्म्स होते क्या हैं? बट आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल डिटेल में कि ये तीनों चीजें होती क्या हैं, इनसे हमारे स्किन को क्या बेनिफिट्स होते हैं. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. गाइज, हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने स्किन केयर पे मॉइस्चराइजर जरूर इंक्लूड करें. बट यार, कभी आपने सोचा कि यार कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो हमारे स्किन को बहुत ऑयली बनाते हैं. बहुत सारा ऐसा मॉइस्चराइजर होता है कि जो हमें सूट नहीं करता है या फिर हमें पिंपल आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं. तो गाइज, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये तीन होते क्या हैं जो मॉइस्चराइजर्स में पाए जाते हैं. आपको जब तक इन तीनों में डिफरेंस नहीं समझ आएगा ना, आप सही मॉइस्चराइजर पिक कर ही नहीं पाएंगे. क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि ह्यूमक्टेंट होता क्या है, ऑक्लूसिव क्या होता है, इमोलिएंट क्या होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मॉइस्चराइजर आपके स्किन के लिए अच्छा है. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट, विच इज ह्यूमक्टेंट. तो ह्यूमक्टेंट वो इंग्रेडिएंट होता है जो एनवायरनमेंट से वाटर को ड्रॉ करता है और हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है. एनवायरनमेंट में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब हम ह्यूमक्टेंट अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो जो उसका काम क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट से वाटर को ड्रॉ करते हैं और आपके स्किन को हाइड्रेट करते हैं. जो फॉर्मुलेशन होता है वो काफी लाइट वेट होता है और ये ऑयली या फिर नॉर्मल स्किन वालों के लिए या फिर डिहाइड्रेटेड स्किन वालों के लिए काफी अच्छा होता है. दीज आर दी कॉमन ह्यूमक्टेंट विच वी यूज टू गेट इन दी स्किन केयर प्रोडक्ट्स. फर्स्ट, हेलियोरॉनिक एसिड, ग्लिसरिन, हनी, एलोवेरा जेल, पैंथेनॉल. तो ये जो होते हैं ना, ये बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं. ये बहुत ही कॉमन ह्यूमक्टेंट्स हैं जो कि स्किन केयर मॉइस्चराइजर में पाया जाता है और बहुत ही अच्छे होते हैं. सबसे अच्छा हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरिन होता है. गाइस, सारे स्किन वालों के लिए काफी अच्छा होता है, स्पेशली डिहाइड्रेटेड स्किन वालों के लिए काफी अच्छा होता है क्योंकि आपका स्किन डिहाइड्रेटेड रहता है और अगर कोई भी इंग्रेडिएंट इनमें से आप यूज करोगे तो उससे आपका स्किन काफी प्लम्ड और ड्यूवी दिखेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इमोलिएंट. इमोलिएंट का जो फॉर्म होते हैं वो क्रीम, जेल, लोशन, बहुत सारे फॉर्म्स में पाया जाता है. इमोलिएंट्स जो होते हैं वो हमारे स्किन पे एक लेयर क्रिएट करता है जो कि हेल्प करता है वाटर लॉस से, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट एंड सपल ड्यूवी बनाता है एंड गाइस, हमारे स्किन के बैरियर को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेज. एनवायरमेंट की वजह से फ्री रेडिकल्स हमारे स्किन को काफी डैमेज करते हैं तो उससे भी हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे स्किन को काफी सॉफ्ट एंड नाइस एंड स्मूथ बनाता है. सो इमोलिएंट्स क्या क्या है? कॉमन इमोलिएंट्स जो मॉइस्चराइजर में पाए जाते हैं वो है स्क्वालिन, डाइमेथिकोन, बी वैक्स, पैराफीन एंड सिटाइल एल्कोहल. ये जो होते हैं कुछ इमोलिएंट्स होते हैं जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्लूसिव. ऑक्लूसिव जो होता है वो मॉइस्चर को ट्रैप करके रखता है. ऑक्लूसिव हमारे फेस पे एक बैरियर बनाता है जो कि सारे इमोलिएंट्स को और ह्यूमक्टेंट्स को होल्ड करके रखता है. इट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द स्किन एंड इट प्रिवेंट मॉइस्चर एस्केपिंग आउट फ्रॉम द स्किन टू द एनवायरमेंट. जो इसका टेक्सचर होता है वो थिक और ऑयली टेक्सचर होता है और स्पेशली रिकमेंड किया जाता है ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन वालों के लिए. और जैसे ऑयल्स हो गए, बहुत सारे फेस ऑयल्स जो होते हैं, या फिर अगर आप पेट्रोलियम जेली होता है वो, या फिर जिंक ऑक्साइड, ये जो होते हैं इनको ऑक्लूसिव बोलते हैं. बस आपके मॉइस्चराइजर में इमोलिएंट भी होगा, ऑक्लूसिव भी होगा और ह्यूमक्टेंट भी होगा. लेकिन आपको देखना है कि किसका परसेंटेज ज्यादा है. अगर आपका बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप ह्यूमक्टेंट बेस्ड या इमोलिएंट बेस्ड मॉइस्चराइजर चूज करेंगे. अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप ऑक्लूसिव बेस्ड मॉइस्चराइजर चूज करेंगे.
लाइक उसमें ऑक्लूसिव ज्यादा होगा, इमोलियंट और ह्यूमक्टेंट कम होंगे. कोई ऐसे मॉइस्चराइजर होते हैं जिसमें बहुत सारे इमोलियंट्स होते हैं, ह्यूमक्टेंट कम होता है. कोई ऐसा मॉइस्चराइजर होता है जिसमें ऑक्लूसिव बहुत ज्यादा होगा, इमोलियंट और ह्यूमक्टेंट कम होंगे. सो गाइज, अगर आपका नॉर्मल स्किन है तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को देखना होगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें हैं जो आपको स्किन को हेल्प करेगा. लाइक अगर आपका डिहाइड्रेटेड स्किन है तो आप कोई हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लोगे जिसमें इमोलियंट भी अच्छा हो, ऑक्लूसिव भी हो एक दो, एंड उसमें ह्यूमक्टेंट काफी सारा हो जो कि आपके स्किन को हाइड्रेट करे. तो ये था वीडियो गाइस. अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछना. और अगर आपको पता नहीं है कि आपका स्किन का टाइप क्या है तो मैंने इस पर एक फुल वीडियो बना रखा है, वो भी मैं आई कार्ड पे डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. टिल देन कीप वॉचिंग. बाय बाय.